चत्वारी वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। चार चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, पक्की बात है? तुम करोगे? पक्की बात? पक्की बात? तो कैसे करोगे प्रणाम? कैसे करोगे? हरिओम, अच्छी बात। अच्छा, अब मैं याद शक्ति की बातें और दूसरी बातें आपको बताता हूं। जिसको कायरता दिखानी और जाना है वो खड़ा हो जाए। चालू सत्संग में कायर की ना ही भागना चाहे वो खड़ा हो जाए। कोई कायर है क्या? नहीं है ना? अगर कोई होए तो उसको बहादुर बना देना, बिठा देना, ठीक है? ठीक है ना? कोई कायर तो नहीं है ना? आधे में उठ के भाग जाए ऐसा कोई कायर है क्या तुम्हारे बीच? ठीक है, शाबाश। रेहियो याद शक्ति बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें ब्राह्मरिक प्राणायाम कराता हूँ। हर रोज 10-12 ऐसा करने से स्मरण शक्ति, याद शक्ति में गजब का फायदा होता है। मैंने तिलक किया, तुमने देखा, तिलक के पीछे बहुत बहुत रहस्य छुपा है। मनुष्य के शरीर में बालक जन्मता है तब से 7 मुख्य केंद्र होते हैं। तो मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र, इस केंद्र में तो बहुत लोग जीते हैं, आवेग और आवेश के शिकार हो जाते हैं, कभी नापास हो गए तो आत्महत्या तक करने के हलकट विचारों के भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे हलकट विचारों के शिकार न हो और किसी के पटाने से पट न जाए, इसलिए मनुष्य का ये 6ठा केंद्र शिव नेत्र। कोई भी काम करे तो ये शिव नेत्र 6ठा केंद्र सुविकसित हो तो उसकी वो वाणी, उसके विचार, उसका काम सफलता के सुवास फैलाएगा। इसलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कर्म करते तो ब्राह्मण ललाट पर तिलक करता है। अभी आपने देखा होगा, मैंने अपने ललाट पर तिलक किया। आज ही नहीं किया, मैं सदा करता रहता हूं। ललाट पर जो केंद्र है उसे शिव नेत्र कहते हैं। वैज्ञानियों ने अभी खोजा और बड़ी महिमा गाई, उन्होंने पिनियल ग्रंथि उसका नाम रखा है।
जिन बच्चों की पीनियल ग्रंथि विकसित नहीं होती वे बुद्धू रह जाते हैं। जिन बच्चों की पीनियल ग्रंथि के तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है वे आवेग आवेश और अवांछनीय घटनाओं के शिकार बन जाते हैं। विदेश में ऐसे बच्चे बहुत हैं। एक लड़का फिल्म देखा और फिर अपनी घन लेकर गया और आठवीं कक्षा के अपने 7 लड़कों को धड़ 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 करके मार डाला। पिक्चर में देखा लेकिन सोच विचार नहीं रहा कि तो पिक्चर है, झूठ मूठ में सचमुच स्कूल में जाकर धड़ धड़ कर दिया। एक लड़के ने अपना पिता सोया हुआ था, छुरे से उसका मस्तक काट दिया और जैसे नारियल फोड़ते सा उसका सिर फोड़कर उसका मगज खाने लग गया। अमेरिका के बाद उधर ऐसे योगियों का ज्ञान नहीं है, इसलिए बाहर का जो बच्चे देखते हैं क्रिमिनल पिक्चर आदि लंबा विचार नहीं करते और वैसे ही कुकर्मों में लग जाते हैं। यहां भारत की एक विशेषता है कि गुरुकुलों में गुरुजी ध्यान देते थे बच्चों पर। कायदे कानून या हुकूमत थोपने की अपेक्षा बच्चों की अपनी विचार शक्ति बढ़े, अनुमान शक्ति बढ़े, क्षमा शक्ति बढ़े, शौर्य शक्ति बढ़े, साहस बढ़े, लेकिन बुद्धिपूर्वक साहस, जुल्म करने वाला साहस नहीं, जुल्म को हटाने वाला साहस, दुख फैलाने वाला आतंक वाला साहस नहीं, आतंकवादियों को ठीक करने वाला समझदारी का साहस। महात्मा गांधी का ऐसी समझदारी का साहस था और भी कई लोगों का साहस ऐसे विकसित हुआ था क्योंकि उनके माता पिता धर्मात्मा थे और महात्माओं की सीख के अनुसार अपने बेटों की बेटियों की जीवनी शक्ति विचार और ईश्वरीय सामर्थ्य से संपन्न हो ऐसा विकास उन्होंने किया था। राम जी के जीवन में, लक्ष्मण के जीवन में, भरत के जीवन में, नरेंद्र के जीवन में, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में एक छोटी सी कथा सुन लो। मुट्ठी भर मराठों की संगठन सेना बनाकर छत्रपति शिवाजी ने जुल्मियों का पोल खोल दिया, तोरल का किला जीत लिया और भी कई जगहों पर शिवाजी ने अपना साहस दिखाया। औरंगजेब शिवाजी से तंग आ गए। औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को अपने पास बुलाया। शिवाजी, शिवाजी का बेटा तानाजी और सयाजी, 4 मुख्य व्यक्ति, आओ अपन समझौता करते, तुम महाराष्ट्र के सम्राट और हम दिल्ली के सम्राट, अपनी दोस्ती बनेगी। औरंगजेब की चालबाजी से ये चारों गए और औरंगजेब ने चारों को जेल में धकेल दिया। फिर भी शिवाजी ने साहस नहीं छोड़ा, उद्यम नहीं छोड़ा और ध्यान करके आइडिया लगाई और एक रात को चारों के चार जेल से फरार हो गए। दिल्ली जेल से फरार होना, न पैर में जूती, न हाथ में हथियार, न पेट में रोटी, लेकिन साहस और विचार, समझ और सुमरण उनके पास था। गुरु का दिया हुआ मंत्र का सुमरण और गुरु की दी हुई समझ, माता पिता की दी हुई समझ उनके साथ थी। दिन दिन को तो छुप जाए और रात को जंगल में चलते जाएं, भागते भागते आगरे का नाम सुना है, आगरा, आगरा के पास सुल्तानपुर के जंगल में पहुंचे। रात्रि को भूख प्यास ने सताया। शिवाजी झरने पर पानी पीने गए बावड़ी पर। शिवाजी पानी पी रहे इतने में एक भूखा शेर बोलो शिवाजी के ऊपर आकर धमकता है, लेकिन साहसी शिवाजी, उद्यमी शिवाजी और तीसरे नेत्र को जगाने वाले शिवाजी ने शेर जो झपटा साहस करके, नंगे पैर भूखे पेट लेकिन भरे दिल वाले शिवाजी ने शेर के दोनों पंजे पकड़ लिए। शेर गर्जता रहा और ये भी, ओम शिवा, ओम वा, ओम। युद्ध चलता रहा, दो हत्था शिवा और 4 पंजों का
आप